we are going to study today letter writing, and we will study it in detail. Don't get be late. Let's get into the video. Letter writing usually the two types के होते हैं, formal और informal. Formal letter वो होते हैं जो usually हम official work के लिखते हैं, business के लिए लिखते हैं, higher authority को लिखते हैं, editor को लिखते हैं, ये वाले letter हमारे. और जो formal informal होते हैं वो friends और relative को लिखते हैं, ठीक है. वैसे usually हमारे exam के लिए formal letter ही important है. इसकी marking scheme भी आपकी screen पर है. मार्किंग स्कीम इसका फॉर्मेट जो होता है वो एक नंबर का होता है, और वो देख लेना आप. लेटर राइटिंग के टाइप्स देख लो. लेटर राइटिंग किस किस को लिखा जाता है? एडिटर को लिखा जाता है, प्रिंसिपल को, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, इंक्वायरी लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है. हमारे पहले चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इन सबको एक एक करके डिटेल करेंगे. हमारा लेटर का पहला वीडियो है, ठीक है. फॉर्मेट देख लो. फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स, ये सब लेफ्ट में आएगा. सेंडर्स एड्रेस एक लाइन खाली, उसके बाद डेट ऐसे ही आएगी जैसे लिखी हुई है. उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस सैल्यूटेशन, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, वो एक ही लाइन में आपका होना चाहिए, ज़्यादा नहीं. कई बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइनों में लिख देते हैं, वैसा पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा होता है. उसके बाद आएगी बॉडी, उसके बाद आएगी कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, उसके बाद सेंडर्स नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, आप जो भी हो, ठीक है. कंप्लीमेंट इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं किन किन को? अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, क्लासमेट को लिखते हैं, नेबर्स को लिखते हैं, सिबलिंग को लिखते हैं. हम इनको हम फॉर इनफॉर्मल भाषा में तुम कैसे हो, वहाँ पे सब कैसे होंगे, ये सब लिखते हैं. हम एग्जांपल लेटर में देखेंगे ये सब, ठीक है. इसको ध्यान से ये सब आपको आपकी नोटबुक पे नोट डाउन करना है, ओके. अब आपके सामने है इनफॉर्मल लेटर का एड्रेस. इसमें सिर्फ सेंडर्स एड्रेस होता है जो सबसे ऊपर आता है, उसके बाद एक लाइन खाली, डेट, सैल्यूटेशन. इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें रिसीवर्स एड्रेस होता है. उसके बाद बॉडी होती है, सेंडर्स नेम्स और सिग्नेचर आखिरी में, जैसा आप इसमें देख रहे हो इसके फॉर्मेट में, ठीक है. और इसको ध्यान से देख लो, इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक पे उतार लेना. ध्यान रखना कि इनफॉर्मल लेटर में ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही रिसीवर्स एड्रेस होता है, बाकी सेम टू सेम. अब आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है. ये बड़े बच्चों के लिए, इलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए है. इसको पढ़ लेना कि इसमें जो प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उनके बारे में एडिटर को लेटर लिखना. ये लेटर टू एडिटर है, ओके. लेटर टू एडिटर देखो कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना. ये देखो इसमें लिखा हुआ है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन स्कूल, ठीक है. शुरू करते हैं हम. हमारा यहाँ से सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट है, उसके बाद एडिटर का एड्रेस है. एडिटर को आप भेज रहे हो ना, ये लेटर आपका एडिटर को मिलेगा, इसलिए ये लेटर आप सेंडर रिसीवर्स एड्रेस में एडिटर का नाम लिखोगे, ठीक है. उसके बाद हम डियर सर और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो मैंने लिखा है. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने के लिए एग्जांपल दिया है, जो पहली लाइन है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड द मूवमेंट सर्व शिक्षा अभियान विच एम्स टू प्रोवाइडिंग नॉलेज टू ऑल चिल्ड्रन एवर, ठीक है. जो पहली लाइन है ना, थ्रो द कॉलम, ये आपको लेटर टू एडिटर में, हर एक लेटर टू एडिटर में आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है. इसको पढ़ लेना, आपको इसको अपनी नोटबुक पे भी लिख लेना है, इसको देख लेना आराम से बढ़िया से, ठीक है. और ये देखो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. आखिरी लाइन देखो, आई होप यू विल पे अटेंशन टू दिस नोबल कॉज एंड पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर, ओके. ये लाइन भी हर एक लेटर टू एडिटर में, जब इसको लेटर टू एडिटर को ख़त्म करेंगे तो ये हर एक लेटर टू एडिटर में आपकी लिखी होनी चाहिए. उसके बाद थैंक यू कर दोगे, यू आर सिंसियरली कर लोगे, ठीक है. आपका जो भी नाम है, जो आपके क्वेश्चन में दिया है, वो नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, सिद्धार्थ सिंह जैसा है, ठीक है. आपको ध्यान ये लिखना है, ऑर्डर प्लेसिंग के लेटर, इसमें सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है. इसको लिखना कैसे है, दिस इज़ विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड, डेटेड की जगह आपको डेट लिखनी देनी है, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ द आइटम, सब लिखा हुआ है देखो. उसके बाद आपको इसमें टेबल बनानी है, टेबल में आपको ऐसा टेबल बना के ही लिखना है, ठीक है. आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कलर्स लिख सकते हो, साइज लिख सकते हो, ठीक है.
अब इसको देखो कैसे, वी हैव ऑलरेडी पेड। अब पेमेंट के बारे में भी आपको इसमें बताना पड़ेगा कि हम इतनी पेमेंट हम कर चुके हैं, कैसे की हमने पेमेंट, ठीक है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमने ये वाले कागज़ इसमें लगाए हैं, ठीक है। प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड एनक्लोज्ड, कि भाई हमने ये वाले कागज़ लगाए हैं, द रिसिप्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट लगा दिया है, और योर ब्रांच ब्राउशर जो है ना, कॉपी ऑफ योर ब्रोशर जो हमें मिला था वो इसमें हमने अटैच कर दिया, योर ट्रूली आपका नाम ही करके इसको ख़त्म कर देना, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये 8th के लिए है, ये इनफॉर्मल लेटर का एग्ज़ाम्पल है। ये लेटर आप लोगों को आपकी नोटबुक में लिखनी है। एक लेटर मैं आपको आपके उसमें दे दूंगा, एक फ़ोटो आपको भेज दूंगा, और वो आपको अपने उसमें लिखनी है। इसमें भी वैसे देखो ये इनफॉर्मल है ना, इसमें सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, माय डियर मैनू है, उसके बाद हमारा लेटर शुरू है, इट वाज द एंड ऑफ द दिसंबर। ये लेटर इस बारे में है कि तुम एक वेकेशन पे गए हो, तुम्हें अपने फ्रेंड को इस वेकेशन के बारे में डिटेल में बताना है, ठीक है। और ये इसी बारे में लेटर है। अभी मैं इसको यूट्यूब पर नहीं डालूंगा क्योंकि अब ये थोड़ी अधूरी है, इसको मैं जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है। कैम आउट इन ओपन, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू इन्जॉय इन द स्नोफॉल। और आपने वहाँ क्या क्या किया उसकी आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं अपने लेटर में, ठीक है। एक लिस्ट जैसे ये एक नंबर दो नंबर, ये एग्जांपल के लिए है आपके, ठीक है। और इन आफ्टरनून आई वॉच्ड एन एक्साइटिंग प्रोग्राम ऑफ आइस स्केटिंग, आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन इट येट, इट वॉज द ट्रीट टू वॉच, विद लव यूर अफेक्शनली मनु देवा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा,